भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कारों में सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन की श्रेणी में भोपाल के फिल्म समीक्षक एवं सिने विश्लेषक श्री सुनील मिश्र का चयन किया गया है और उन्हें ये सम्मान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने श्री सुनील मिश्र को आमंत्रित किया है। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा कई चैनलों के लिए सिने केंद्रित कार्यक्रमों का संयोजन भी किया है, तो मिश्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाइयां आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं अरविंद जी, विशेष रूप से आकाशवाणी का भी, क्योंकि एक लेखक के रूप में जो भी किसी भी रचनाधर्मी का कोई भी रुझान होता है वो आकाशवाणी से परवान चढ़ता है। मुझे यहाँ लगातार आते हुए अपना पहली बार आना भी याद आ रहा है जी। और इस समय जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सिने लेखन ख़ास तौर से वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ फिल्में बहुत ज़्यादा संख्या में बनती हैं जी, लेकिन भोपाल यानि मध्य प्रदेश में रहकर ये लेखन आपका अनवरत जारी है और आप अभी भी काम कर रहे हैं जी। इसके पीछे क्या मूल भावना रही है और आप स्थापित हुए? ये सही आप कहते हैं कि मुख्य रूप से सिनेमा की जैसे माया नगरी बॉलीवुड कहा जाता है, मुंबई पर केंद्रित है और वहीं पर सारे बड़े अखबार, वहीं से फिल्मी पत्रिकाओं का निकलना, लेकिन उनका आकर्षण भी देशव्यापी रहा है। अगर माधुरी प्रकाशित होती रही है तो भोपाल तक आती थी, तो ये भी लगता था कि कभी इसमें कुछ हमारा प्रकाशित हो। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वहाँ पर सबसे पहला माधुरी में मेरी रचना राजीव वर्मा जी का इंटरव्यू था जो मैंने भेजा था और वो प्रकाशित हुआ था, तो मेरे लिए खुशी का पारावार न था जी। और उस समय राजीव वर्मा जी दूरदर्शन के धारावाहिकों में काम करती हुए उनको मैंने प्यार किया, पहली फिल्म मिली थी मुझे याद है, वो मुझे बहुत आत्मीयता देते हैं, बड़े भाई जैसा प्रेम भी देते हैं। मैंने प्यार किया कि दो तीन सुंदर सी रंगीन फ़ोटो जब वो एक बार बम्बई से भोपाल लौट कर आए थे तो उन्होंने सिर्फ मुझे दी थी। मैंने उस उन फोटोग्राफ को और राजीव वर्मा जी से बात करते हुए, वो आलेख संडे ऑब्जर्वर में हिंदी में निकलता था दिल्ली में साप्ताहिक अखबार, उसमें लिखा था जी जी, सभी पत्रिकाओं में प्रकाशन और बहुत अच्छा अच्छा सिनेमा, जैसे आपने वो बीच में मुझसे प्रश्न किया था सिनेमा को लेकर कौन कौन सी फिल्में आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन की पहली फिल्म सत्यकाम जो मुझे हमेशा प्रभावित करती रही, मेरी अपनी चेतना की सबसे श्रेष्ठ फिल्म मैं उसको मानता हूँ और आज भी जब कभी मौका मिलता है, शायद मैंने कितनी ही बार उसको देखा होगा, उससे श्रेष्ठ फिल्म कोई नहीं भारतीय सिनेमा, जिसमें जिसके नायक धर्मेंद्र बाद में मेरे जीवन के भी प्रिय नायक बने जी। ईश्वर के कुछ ऐसे संयोग भी हैं कि उन तक मैं पहुंच भी गया, उनके घर तक पहुंच गया और उनके साथ अनेक साक्षात्कार करने के भी अवसर मुझे आए जी। अभी भी जब मुझे ये खुशी मिली तो मैंने सबसे पहले फ़ोन करके उनसे ये खुशी साझा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कितने साक्षात्कारों की स्मृतियाँ आपके मन में हैं? बहुत सारे, विशेष रूप से निर्देशकों, अभिनेताओं और इन प्रमुख पक्षों के अलावा जो सिनेमा के आवश्यक पक्ष होते हैं उनमें काम करने वाले मूर्धन्य लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला, जिनमें सत्यदेव दुबे जी को मैं याद करना चाहूँगा, सलीम खान साहब को याद करना चाहूँगा, जावेद अख्तर जी को याद करना चाहूँगा, इन सबके साक्षात्कार किए, श्याम बेनेगल जी हैं, प्रकाश झा हैं, धर्मेंद्र जी हैं, जेकी श्रॉफ हैं, लता मंगेशकर जी हैं, हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं, इन सभी के लंबे साक्षात्कार करने का अवसर मिला। और एक उनकी मन्नाडे जी, मैं उनका नाम एकदम से, एक पूरी लंबी जर्नी, श्रेष्ठता और उत्कृष्टता की एक लंबी यात्रा के पीछे जो संघर्ष छुपा होता है, कैसे इन बड़े लोगों की शुरुआत हुई, कैसे इन बड़े लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया, एकदम से तो ना तो ये अपीयर हो सके ना अप्रूव हो सके, कोई भी नहीं हो पाता। हम सबको अपने आप को साबित करने के लिए लंबा समय लगता है, अनेक वर्ष लगते हैं और कई बार वो वर्ष भी कम पड़ते हैं, हम अंत तक अपने आप को साबित नहीं कर पाते। लेकिन हमने मान लीजिए मन्नाडे को या बड़े बड़े कलाकारों को जिन शीर्ष रूप में देखा है, धर्म जी जैसे लोगों को, तो अगर आज हम उनका एक बड़ा पक्ष देखते हैं, बड़ा स्वरूप देखते हैं, तो उसके पीछे जो संघर्ष है, कैसे कोई पंजाब के एक छोटे से गाँव में अपनी माँ से एक वादा करके आता है कि मुझे दिलीप कुमार जैसा अभिनेता बनना है, क्या क्या उसको मुश्किलें आती, कैसे बेंच पर सोना पड़ता है, कैसे घर का ठिकाना नहीं, कैसे छोटे छोटे होटलों से
उनकी मालिक की उदारता के साथ कुछ नाश्ता कुछ खाना प्राप्त करके कैसे कोई एक फिल्म मिलती है, एक पूरी यात्रा है। और इन सब से जो जीवन सीखने को मिलता है, मैं जब उनसे बातचीत करता हूँ ये सब बातें सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ कि यश के पीछे संघर्ष कितना बड़ा है जी। मन्ना डे जी का ही मुझे याद आता है कि जैसे दक्षिण के प्रोड्यूसर थे जिसमें राज कपूर साहब ने काम किया था, शायद चोरी चोरी फिल्म थी, एक बहुत सुंदर गाना जो डुएट लता जी के साथ उनका रिकॉर्ड हुआ था, या तो प्यार हुआ किरार हुआ या आजा सनम मजहू चांदनी में हम, उस गाने को प्रोड्यूसर साहब ने रिजेक्ट कर दिया था कि इसको फिल्म में नहीं रखना, ये अच्छा नहीं रिकॉर्ड हुआ है। और कोई उस समय समर्थन करने वाला नहीं था। मन्ना डे जी ने बताया कि मैंने लता जी से भी कहा कि मेरे पक्ष में बात करें, लेकिन अब निर्माता से कौन बात करे। अंत में राज कपूर भी जब हार गए तो उनका पक्ष फिर लिया शंकर ने, शंकर जयकिशन जो उनके संगीतकार थे, उन्होंने चिढ़कर कहा कि अगर ये गाना नहीं रहेगा तो मैं इस फिल्म का संगीतकार भी नहीं रहूँगा। वाह। तब वो गाना रखा यथावत रहा और वो इतना बड़ा सफल बहुत हुआ। हिट हुआ जी। तो आप देखिए कितना कई बार हतोत्साह होता है, कितना उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन आदमी लगा रहता है। सिने लेखन की चुनौतियों में अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो उस समय का लेखन, उस समय की फिल्में, आज का लेखन, आज की फिल्में, क्या बदलाव आप देखते हैं और ये बदलाव कितना स्वीकार्य है? मुझे ऐसा लगता है अरविंद जी कि प्रत्येक पीढ़ी अपनी पसंद का सिनेमा स्वयं चुनती है या उस अपने अनुकूल सिनेमा प्राप्त कर लेती है। वो लगभग जो हम देखते हैं ना फिल्मों का चलना और नहीं चलना और फिर बाद में फिर चलना, कुल मिला के समीकरण यही है कि दर्शक बताता है फिल्म बनाने वालों को कि हमको इस तरह का सिनेमा चाहिए। बाद में जो जब सामाजिकता की बात होती है, लोग कहते हैं कि समाज से सिनेमा प्रभावित है या सिनेमा समाज से प्रभावित है या समाज की वजह से सिनेमा बिगड़ रहा है या सिनेमा की वजह से समाज बिगड़ रहा है, दरअसल जो ट्रैक दर्शकों को पसंद है उस ट्रैक का सिनेमा वो प्राप्त करता है, उसको सफल बनाता है। और हमारे देश में सिनेमा चूँकि सीधा सीधा संबंध बाज़ार से है, अगर आर्थिक नुकसान होगा तो कोई भी निर्माता फिल्म क्यों बनाएगा। तो सफल सिनेमा बनाने के लिए ज़रूरी है कि दर्शक की पसंद का ख्याल रखा जाए। अब जो पीढ़ियों का जो अलग अलग फ़र्क है उनकी रुचि और रुझान का, तो हर युग में जिस तरह से पहनावे में बदलाव आता है, खान पान में बदलाव आता है, जीवन शैली में बदलाव आता है, तो फिर सिनेमा क्यों ना बदले। आज सिने लेखन में गॉसिप और सनसनीकरण ने बहुत बड़ा स्थान ले लिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अभी दरअसल इधर जो तकनीक का विकास और सूचनाओं के आदान प्रदान की जो एक तात्कालिकता है, अगर आज मान लीजिए कोई फिल्म भी प्रदर्शित हुई है तो उसकी समीक्षा सोमवार को छपेगी, शुक्रवार को अगर फिल्म आई है तो सोमवार को छपेगी, या अगले हफ्ते जो सिनेमा का पेज होगा उसमें छपेगी। आज ये हो रहा है कि समीक्षा के लिए निर्माता एक शो एडवांस करने को तैयार है या एक दिन पहले करने को तैयार है, वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म पर तुरंत चर्चा हो जाए, तुरंत एक माहौल बन जाए, तुरंत एक आकर्षण खड़ा हो जाए। तो सारा का सारा जो एक अपनी और अपने फिल्म की ओर आकर्षित करने का जो एक पूरा सिलसिला है, निश्चित रूप से वो बात आती है कि वो बाज़ार से जुड़ा हुआ है। अगर वो सब कुछ सकारात्मक है, ठीक ठाक है और दर्शकों के गले उतरने वाला है तो दर्शक उसको स्वीकारता है, और अगर दर्शक को वो सब चीज़ें ग्राह्य नहीं हैं तो फिर उसका कोई सकारात्मक प्रचार भी नहीं होता और दर्शक सिनेमा देखने के बाद बाहर निकल के किसी दूसरे को प्रेरित भी नहीं करता कि वो फिल्म देखे जाके। ऐसे में सिनेमा सफल और विफल होता है जी। तो ये तो रहेगा, ये भले ही आप कितना भी गॉसिपिंग कर लीजिए, कितना भी उसकी सनसनी को प्रचारित कर लीजिए, कितना उसकी वल्गरिटी को प्रचारित कर लीजिए, लोग अलग अलग तरीके से उसको फ्लेवर्ड करते हैं, कोटेड करते हैं, मगर अच्छा सिनेमा अच्छा सिनेमा होता है। पहले जो फिल्में बनती थी, कुछ फिल्में बेशक व्यावसायिक दृष्टि से बनाई जाती थी, उसमें लाभ होगा और रुझान जो पब्लिक का है उसको देखते हुए फिल्मों का निर्माण होता था, लेकिन उसके साथ साथ आर्ट फिल्में भी बनती थी, कला फिल्में भी बनती थी जो केवल इस उद्देश्य को लेकर बनती थी कि उसकी कहानी, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो समाज के उस जीवन चरित्र को उजागर करेगा जो कहीं ना कहीं समाज के हित में है। आज एक लेखक की दृष्टि से क्या अपेक्षा फिल्म जगत से करते हैं आप कि ऐसी फिल्में अभी और बननी चाहिए या बनते रहने चाहिए? मुझे लग रहा है कि वो एक समय जो 70 के आसपास शुरू हुआ था, सत्यजीत राय, मृणाल सेन जैसे बड़े फिल्मकार
पश्चिम बंगाल में फिल्में बना रहे थे उनसे प्रेरित होकर हिंदी में कुछ प्रयोग हुए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत सरकार ने स्थापित किया बम्बई में, उसने कुछ ऐसे गुणी फिल्मकारों को ऋण देकर और प्रोत्साहित करके उन्हें फिल्म बनाने के अवसर प्रदान किए, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमने अंकुर, अर्धसत्य और इस तरह की अनेक फिल्में देखी। अभी भी याद आती हैं, जब देखते तो बड़ा अच्छा लगता। हाँ, वो लगभग 15-20 साल का एक पूरा इरा था जो अपने चरम पर पहुंचकर समाप्त हो गया। आज आप देखते होंगे कि उसमें से बहुत कम लोग फिल्में बना रहे हैं। ट्विटर पर मैंने उनको रिप्लाई भी किया। सुधीर मिश्रा जी को मैं देखता हूँ, वो व्यक्ति आज भी लगातार काम कर रहे हैं उस दौर से। मतलब उस समय उनकी एक ये वो मंजिल तो नहीं फिल्म मैंने देखी, मैं जिंदा हूँ फिल्म देखी। आज वो दास दे, उनकी एक फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है अभी कुछ दिनों बाद। तो बाकी बहुत से लोगों ने काम करना बंद कर दिया। श्याम बेनेगल जी की फिल्में नहीं आ रही हैं, गोविंद नीलानी जी की फिल्में नहीं आ रही हैं, केतन मेहता जी की फिल्में नहीं आ रही हैं, प्रकाश झा भी शायद 5 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं जी, सईद बिरजा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लंबा गैप तो आया है इधर, लेकिन आप ये महसूस करते हो कि जो आज का सिनेमा है इसमें एक अलग बयार शुरू हुई है जी। और ये पिछले 3-4 सालों में कुछ युवा जो अलग अलग तरीके से सिनेमा के पूरे माध्यम, उसकी तकनीक, उसके प्रवाह और उसकी अप्रोच को समझकर जो आए हैं, तो कुछ लिमिटेड बजट की कुछ ऐसी फिल्में हमारे बीच में दर्शकों में आना शुरू हुई हैं जो ना सिर्फ अपनी लागत को निकाल लेती हैं बल्कि कुछ मुनाफा भी दे जाती हैं। उसकी वजह यह है कि दर्शकों द्वारा पसंद की जा रही है। नई पीढ़ी में एक जीनियस किस्म का सिनेमा इंट्रोड्यूस हो रहा है जी। मैं जैसे आपसे अभी अक्टूबर फिल्म की बात इस इंटरव्यू के पहले कर रहा था अनौपचारिक रूप से, कल ही मैंने उसको देखा। तो ऐसी फिल्मों को, इससे पहले एक दम लगा के हाइशा फिल्म आई थी, एक फुकरे सबसे पहले आई थी, उसका दूसरा भाग भी बना। ये सब फिल्में ऐसी हैं जिनमें आप ना तो ठीक से सितारों के नाम को जानते हो, ना निर्देशक का नाम आपको पता होगा जी, लेकिन ये फिल्में खूब सफल हुई। तो वही जो अंततः जो बात आती है कि हर पीढ़ी अपनी पसंद का सिनेमा चुनती है, आज की पीढ़ी ने इस तरह के सिनेमा को चुना है, इसी में कुछ सुधार आएगा, इसी में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन यह है कि हर दौर में हर पीढ़ी का सिनेमा प्रतिनिधित्व करता रहेगा। सुनील जी, इस लंबी यात्रा में बहुत लिखा है, बहुत प्रकाशित हुए हैं आप, चर्चा हुई है, बहुत सारे साक्षात्कार आपकी स्मृतियों में हैं। इस क्षेत्र से रुझान रखने वाले श्रोता, पाठक क्या उम्मीद करें कि आगे कोई संग्रह कृति के रूप में उन्हें मिल सके? मुझे इन दिनों अरविंद जी लगातार लग रहा है कि जो मैंने साक्षात्कार किए हैं सिनेमा की बड़ी हस्तियों के, और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें अपनी एक लंबी यात्रा को लेकर बताई है, और ख़ासतौर से सिनेमा के साथ साथ जीवन को लेकर, जीवन की फिलॉसफी और दर्शन को लेकर जो उनके अपने सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका एक संकलन मुझे ज़रूर तैयार करना चाहिए। क्योंकि जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, उनसे एक बार लंबी बातचीत चल रही थी, हम इंदौर से खंडवा कार में बैठे जा रहे थे, 3 घंटे वो हमारे साथ में ही थे, उसी में वो लंबा इंटरव्यू तैयार हुआ। तो एक चौराहे पे सिग्नल में लिखा हुआ था, रुकिए, देखिए, जाइए जी। तो मुझसे कहने लगे, बोले सुनील ये देखो, बोले हमारा जीवन भी इसी तरह का है, रुकिए, देखिए और जाइए। बोले इसको गहरे अर्थों में कितने लोग समझ पाते हैं, ये केवल यहाँ पर सड़क का मार्ग ही नहीं है, जीवन दृष्टि है। ऐसी कुछ कुछ सूक्ष्म बातें, या धर्मेंद्र जी से मैं बात कर रहा था तो कैसे लगातार 3-4 बार उनका मन किया कि मैं वापस लौट जाऊँ, लेकिन वो क्या बातें थी जिन्होंने उनको रोक लिया अंदर ही अंदर। कैसे एक बार वो फिर नए उत्साह से जुट गए, कैसे उस समय निर्माता उनको एकदम नया मान के उनके साथ बर्ताव करते थे, क्योंकि जिस समय उन्होंने काम करना शुरू किया था उस समय राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे बड़े सितारे काम कर रहे थे, उनसे पहले मनोज कुमार फिल्मों में आ गए थे, उनसे पहले राजेंद्र कुमार फिल्मों में आ गए थे। तो सारे कुछ विरोधाभासों को, सारी कुछ मुश्किलों को कैसे उन्होंने धीरज के साथ, कैसे उस समय की चुनौती के साथ उन्होंने सहन किया, और एक दिन जब फिल्म सफल हुई, सबसे पहली उनको बताते हैं कि फूल और पत्थर मेरी वो फिल्म थी जिसने अचानक मेरी दुनिया बदलने का काम किया जब वो प्रदर्शित हुई। कैसे फिर दुनिया का रुख बदल जाता है, कैसे लोगों का रुख बदल जाता है, समाज तब भी वही था, आज भी बल्कि आज उससे ज़्यादा सयाना है। मुझे लगता है कि ये सब बातें हर दौर में, हर युग में, हर पीढ़ी के लिए उपयोगी हैं जी। मैं उसका एक संकलन प्रकाशित करने पर विचार कर रहा हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय की अपनी सीमा है। ये जो अवार्ड आपको दिया जा रहा है, इसमें किनको किनको आप याद करेंगे
और शुभकामनाएं तो बहुत सारी आपकी झोली में हैं। स्मृतियों में तो बहुत कुछ है, बहुत प्रियजन लोग इस समय नहीं है साथ में। माँ की याद आती है, गुरु श्री राम ताम्रकर जी की याद आती है, जिन्होंने वास्तव में सिनेमा पर लिखने का एक पूरी सभ्यता सिखाई। उसके बाद मनमोहन चड्ढा जी हैं, जिन्होंने प्रसन्नता जाहिर की इस सम्मान को मिलने पर। वो लगातार हमसे कहते थे कि कम से कम साल में 5 लेख तो ऐसे लिखो जो पुरस्कार के लिए सबमिट कर सको। जी, उनका मैं निश्चित रूप से उनका शुक्रगुजार हुए, उनका उपकार व्यक्त किए हुए तो मैं आगे कोई बात कर नहीं सकता। बहुत बहुत बधाई, और आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर हमारे सुनने वालों के लिए ये बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी।